वेलकम बैक जी। अभी हम बात करेंगे जी फोर्स ब्रीदिंग की। क्वाड ब्रीदिंग हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली, अभी हम फोर्स ब्रीदिंग की बात करते हैं जी। और इसमें हम फोर्स इंस्पायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन दोनों चीज़ें देखेंगे ठीक। अब फोर्स इंस्पायरेशन में क्या होगा कि कुछ फोर्स इंस्पायरेशन की बात करने लगे पहले, कुछ एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व होंगे, और मसल्स का काम क्या होगा कि रिब केज को और ज़्यादा एलिवेट करना ताकि अंदर वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़े। जब वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर और ज़्यादा कम होगा, और जब प्रेशर और ज़्यादा कम होगा तो डिफरेंस जो है बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर से वो और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जो हवा है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर जितना लंग्स का प्रेशर कम होता जाएगा उतनी एयर मूविंग करती जाएगी, और वो लंग्स का प्रेशर अंदर कम कैसे होगा, वॉल्यूम ज़्यादा करने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, इनवर्स रिलेशन है ठीक है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की। अब वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो होगा कैसे, इसका मतलब कि रिब्स को हमें फर्दर एलिवेट करने की जरूरत है। इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्वाड ब्रीदिंग में रिब्स को ऊपर करते हैं, लेकिन लिमिट तक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रिब्स को ऊपर करने के लिए हमारे कुछ और मसल्स इन्वॉल्व हैं ठीक है, जैसे कि स्टर्नो केलाइटोमास्टाइट जो कि आपके स्टर्नम के साथ और आपके रिब के साथ, स्टर्नम के साथ जो कि आपके थोरैसिक कैविटी में होती है, स्टर्नम के साथ और रिब के साथ अपर जो रिब है, अपर जो रिब है फर्स्ट रिब, उसके साथ ये मसल आगे अटैक होता है। तो जब ये मसल स्टर्नो केलाइटोमास्टाइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिब केज को और ज़्यादा ऊपर करेगा, और ज़्यादा तो अंदर जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली सैकलिंग मसल्स ये भी क्या करेगा, ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब केज का जो अंदर वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली पेक्टोरलिस माइनर, मैं ट्राई करूँगा कि ड्यूरिंग वीडियो जब मैं एडिट करूँ तो इन सब की पिक्चर्स भी मैं लगा दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए। पेक्टोरलिस माइनर, अब ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है यहाँ पर शो नहीं किया मैंने, ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स को एलिवेट करेगा। इसका मतलब ये सारे मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन में। नहीं, आप भी प्रैक्टिस करके देखें, आप फोर्सफुली इंस्पायर करें, फोर्स इंस्पायर करके आते रहिए, देखें आपके ये मसल भी कॉन्ट्रैक्टेड है और आपके ये पेक्टोरलिस माइनर जो मसल्स हैं ये भी आपके कॉन्ट्रैक्टेड है। तो पेक्टोरलिस माइनर और आपके जो ये स्टर्नोकेलाइटोमास्टाइट ये कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि इन्होंने रिब को और ज़्यादा एलिवेट कर दिया, और ज़्यादा एलिवेट किया तो वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया, जब वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर और ज़्यादा कम हो गया, प्रेशर 759 से भी 758 हो गया, और ज़्यादा प्रेशर कम हो गया तो बाहर तो 766 है, 760 है ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 760 अंदर और ज़्यादा प्रेशर कम है तो एयर अंदर की तरफ मूव करेगी, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, और ज़्यादा एयर मूव करेगी। क्वाइट ब्रीदिंग में 759 तक गया, फोर्स ब्रीदिंग में, फोर्स इंस्पायरेशन में 758 तक चला गया ठीक है। नाउ अब एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व है हमने वो नाम तो लिया था उनका, नहीं डिस्कस नहीं किया था, वो ही इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये जो नीचे वाले मसल आपको नजर आ रहे हैं ज्यादा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के तरीके से। जब भी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब केज और ज्यादा लोअर हो जाएगा, नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा, बहुत ज्यादा लोअर हो जाएगा, मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा नीचे जाने की वजह से वॉल्यूम अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा तो प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 762 तक चला जाएगा, जब प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अंदर 62 हो गया बाहर 68 तो हवा बाहर की तरफ मूव करेगी, तो ये फोर्स एक्सपायरेशन था, ये नॉर्मल। अब जब मैंने फोर्स एक्सपायर किया है उसका मतलब इस टाइम में मेरे रिब्स ने एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे डाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसने रिब्स को और ज्यादा नीचे कर दिया। उसके अलावा आपके और दो तीन मसल जो आपको मैं शो नहीं कर सका, रेक्टस एब्डोमिनस एक्सटर्नल ओब्लिक एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस ये आपके मसल हैं यहाँ पर होते हैं जो आपका सिक्स पैक भी बनाते हैं, इंटरनल ओब्लिक एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ पर होते हैं एब्डोमिनल मसल है तीनों। अब फोर्स एक्सपायर करें जरा, नॉर्मल फोर्स एक्सपायर करें, आप करके रखें फोर्स एक्सपायर, जब फोर्स एक्सपायर आप करके रखेंगे आपको यकीन होगा आपको यहाँ पर आपका ये मसल इस टाइम मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई कैन फील ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक मसल जो ये भी कॉन्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, डायफ्राम को और ज़्यादा ऊपर पुश करेंगे, डायफ्राम को और ज़्यादा ऊपर पुश करेंगे, जब डायफ्राम और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अंदर जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपायरेशन ज़्यादा होगी ना, तो इसका मतलब जब हम
फोर्स एक्सपायर करते हैं तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा मसल्स जो कि एब्डोमिनल मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ये रिबकेज को लोअर कर देते हैं, ये डायफ्राम को ऊपर कर देते हैं। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाई टू लो प्रेशर जो है वो एयर मूव कर जाएगी, बाहर चली जाएगी, उसको हम फोर्स एक्सपायरेशन कहते हैं। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जी वॉल्यूम्स की और कैपेसिटीज की, बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेजिड्यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद मी, थैंक यू सो मच।